हिंदी की हम शुरुआत ही करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें जो बचपन में बच्चों को सिखाई जा रही थी, अगर मैं जो बच्चे हैं छोटे छोटे उन्हें दिखाइए, उन्हें बताइए, याद दिला रहा हूं मैं, याद कर भी रहा हूं, आपको याद दिला भी रहा हूं। जैसे शब्द, कल मैंने आपको वर्ण, स्वर, व्यंजन, नुक्ता, ये सब बताए। आज मैं आपको शब्द और वाक्यों के बारे में, ये शब्द क्या है, ये शब्द है और वाक्य। देखिए शब्द कैसे बनते हैं, जब हम वर्ण जानते हैं, जैसे व्यंजन, व्यंजन में क, ख, ग, घ, ये जो व्यंजन अक्षर होते हैं, अल्फाबेट जो हैं, कई अल्फाबेट को मिलाइए और उनका अर्थ निकलना चाहिए तो बनता है शब्द, है ना। जैसे घ और इसमें रा जोड़ दीजिए तो हो जाता है घ र घर, अर्थ निकलना चाहिए, वही शब्द ठीक है। वैसे कहें देखने के लिए तो कुछ भी आप लिख दें, दो शब्द हैं, लेकिन पढ़ने में उसका सेंस निकलना चाहिए, ऐसे शब्द ही बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं, वर्णों के मेल से शब्द मिलते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, मेल इसमें एक शब्द जोड़िए, सार्थक मेल से। सार्थक मेल का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, मेल से शब्द बनता है। तो शब्द कैसे बनता है, दो वर्णों के मेल से, सार्थक मेल से शब्द बनता है। जैसे देखिए पेड़ लिखा है कहीं, पे और अड़ा जोड़ दिया तो पेड़ हो गया ये, लेकिन अगर कोई इसको आगे पीछे करके देखिए, अड़ा में पे जोड़िए तो कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये शब्द गलत है, ये शब्द अड़प्पे क्या कह दोगे, इसको अर्थ नहीं निकलता। तो ऐसे सार्थक, सार्थक का मतलब मतलब की चीजें जिनको आसपास देखा जा सकता है, जिनको समझा जा सकता है और जिनका अर्थ निकलता हो कोई, ऐसे शब्द जब बनते हैं तो वही सार्थक शब्द कहलाते हैं जो कई वर्णों के मेल से बनते हैं। दो तीन चीजों की, जैसे सलजम लिखना है, स, ल, ज और म, देखिए ये वर्ण है सब, और इन वर्णों को मिला के लिख दिया जाता है तो बनता है शब्द। तो ये शब्द हो गया। अब शब्द में मात्राओं के बारे में भी देखें कि जैसे जो मात्रा लगाई जाती है, जैसे पेड़, पा है और इसके बाद ए की मात्रा है इसमें, और फिर अड़ा है, तो प ए की मात्रा और अड़ा, ये जब लिखेंगे तो बनेगा पेड़। मात्रा को अलग कर लेना है, जिससे मात्राओं का ज्ञान भी हो जाए कि कौन सी मात्रा हम लिखें। जैसे रीढ़, रीढ़ में रा है, फिर बड़ी ई है और अढ़ा है, तब बनता है रीढ़। तो इस तरीके से शब्द बनते हैं, और जब इन सभी शब्दों के अर्थ होते हैं, यदि वर्णों के मेल का कोई अर्थ नहीं होता है, नहीं निकलता है, तो उसे शब्द नहीं कहा जा सकता है। ध्यान रखना, शब्द जो बनाते हैं आप लोग उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। जैसे आपने लिख दिया लीमा, लीमा, ला बड़ी की मात्रा, मां, शब्द तो देखने में लगता है लेकिन ये गलत शब्द है, ये शब्द नहीं है, होना चाहिए माली, ये शब्द है माली, लीमा कोई अर्थ नहीं है, नाउन हो सकता है, किसी का नाम लोग लीमा रख सकते हैं तो ये सार्थक हो जाएगा, नहीं तो ये निरर्थक शब्द है, ये शब्द नहीं है। जैसे बच्चे लिखते हैं हम, बच्चे, तो बच्चे में जैसे मान लो च, फिर च और ब ऐसे लिख दें, तो देखिए ये कोई अर्थ नहीं निकालेगा, ये शब्द नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर ये क्रम बदल दें इसका, ब ऐसे लिख दें, देखिए बच्चे, अब इसका अर्थ निकलता है।
तो अब आपको इसी तरीके से शब्द बनाने हैं, जो 20 शब्द बनाइए जो एक दूसरे से मैच ना करते हो, एक ही जैसे मत बना देना कि बड़ी की मात्रा वाले सारे बना दिए, तो दो दो शब्द जैसे पहले बनाइए बिना मात्रा वाले, तीन अक्षर वाले शब्द नमक शहद ऐसे दो, फिर छोटी ई की मात्रा वाले दो शब्द, बड़ी ई की मात्रा वाले दो शब्द, तो देखिए तीन दुने छह हो गया। अब छोटे ऊ की मात्रा वाले तीन बनाइए, फिर बड़े ऊ की मात्रा वाले बनाइए, ए की बनाइए, आए की बनाइए, ओ की, मतलब हर स्वर जितने मात्राएं होती हैं हर मात्रा के दो दो शब्द बनाइए और फिर उसे पढ़िए। तो देखिए आपको उसका उच्चारण जो आप कहेंगे जो लिखेंगे, जैसे हम सुनते हैं कोई चीज फिर उसको हम लिखते हैं, तो क ट ह ल जल्दी में नहीं करना, एक एक अक्षर पर ध्यान रखना है, नहीं तो जल्दी में एक आध अक्षर बीच का छूट जाएगा, है ना। जैसे नम कीन न म, अब की का में बड़ी की मात्रा है, क ई की हो गया और ना नमकीन, देखिए इसमें बड़ी ई की मात्रा वाला एक शब्द है। बस बनाते समय ध्यान रखिए तीन अक्षर से कम वाले ना बनाइए, दो दो अक्षर वाले शब्द नहीं बनाने हैं, घर कल मल ये सब नहीं लिखना है आपको, तीन या तीन से ज्यादा अक्षर जिसमें प्रयोग होते हैं उस तरीके के 20 सेंटेंस आप 20 शब्द लिखने। अब आइए वाक्य के बारे में बताते हैं, वाक्य क्या है, सेंटेंस कहते हैं जिन्हें। वाक्य क्या होता है, जब कई शब्द मिलता है, मिल जाए, जैसे वर्णों के मिलने से शब्द बनते थे उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से शब्दों को मिलाते जाइए और एक अर्थ निकलने लगे उसका, तब हम उसे उस पूरी बात को वाक्य कहते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, तुम घर में रहते हो, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो देखिए इसका एक अर्थ निकलता है। अगर इधर उधर कर दिया जाए, ये शब्द है, देखिए यह एक शब्द है, मेरा एक शब्द है और ये भी एक शब्द है, तो इस तरीके से चार पांच शब्दों को मिला करके एक बात बनती है, एक वाक्य बनता है। तो वाक्य क्या है, कई शब्दों को मिलाने पर जिनका सार्थक अर्थ निकलता हो वो सेंटेंस होता है, वो वाक्य कहलाता है। तो अगर शब्दों का मेल सही नहीं है, जैसे इसी में या कोई और लिख लो कि जैसे हूं खेल फुटबॉल, फुटबॉल मैं, अब देखिए यहां पर इसका अर्थ नहीं निकल पा रहा है, हूं खेल फुटबॉल इसका अर्थ कहां आ पा रहा है, और मैं लास्ट में लिखा हुआ है, तो ये वाक्य नहीं है। वाक्य सही क्या होता, मैं फुटबॉल खेलता हूं, मतलब क्रम बदल दिया जाए, सही क्रम कर लेना, जिसका सार्थक अर्थ निकले वही सेंटेंस है, वही वाक्य कहलाता है। तो आपने क्या समझा कि वाक्यों का मेल ऐसा होना चाहिए जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो तो वह वाक्य कहलाता है, शब्दों का मेल। अब आइए कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं जिन्हें आप घर से करेंगे, देखेंगे करके कि कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे प्रश्न एक है कि शब्द क्या है, पहला प्रश्न बना शब्द क्या है, शब्द क्या है, शब्द क्या होते हैं, ये पहला प्रश्न है। और वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य वाक्य कैसे बनते हैं, ये दो प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको
लिखना है। और कुछ है काम, जैसे हम कुछ इधर उधर करते हैं सेंटेंस में, वाक्य में, तो उसको आप सही करके सार्थक अर्थ वाला वाक्य बना देंगे। जैसे लिखा है ती कल मैं गई बाजार, कल मैं गई बाजार, ये तीसरा हो गया। फोर्थ नंबर पर आप लिख लें रहेगा बंद विद्यालय कल, रहेगा बंद विद्यालय कल। और पांच नंबर पर लिखिए करो किया प्रतिदिन व्यायाम, करो किया प्रतिदिन व्यायाम। ये पांच हैं जिन्हें आप सही करके लिखेंगे और इनका जवाब लिखेंगे। ऐसा करिए, देखिए आप पिछला आपको याद भी होता रहेगा और याद किया है आपने और लिख लिया है तो इसका मतलब समझ भी रहे हैं आप। तो ये छोटे छोटे बच्चों के लिए है, घर में जो भी बच्चे हों आपके रिश्तेदारी में परिचितों में उनसे कहिए मेरा वीडियो देखें, मैं होमवर्क भी दे रहा हूं, समझा भी ढंग से रहा हूं, बड़े काम की चीजें हैं और बच्चा अच्छी तरह सीख पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।